नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड परिवहन ने राज्य के अंदर परिवहन सेवाएं शुरू कर दी हैं। बसें पूरी यात्री क्षमता के साथ चलने लगी हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन ने 7 राज्यों के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया है। तो कौन कौन से हैं वो राज्य, चलिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड आने और प्रदेश से जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 2 महीने के बाद प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए यूपी रोडवेज के परिवहन सेवा शुरू कर दी है। अभी ये सेवा सिर्फ 7 राज्यों के लिए शुरू की गई है। बसों के संचालन से यात्रियों को भी बड़ी राहत मिली है, खासकर दिल्ली जाने वालों को, जिन्हें यूपी की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से वाया करनाल होते हुए दिल्ली जाना पड़ रहा था। अब यूपी ने अंतर्राज्यीय परिवहन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बुधवार से उत्तराखंड के सभी बस डिपो से उत्तर प्रदेश के लिए दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए बसें चलने लगी हैं। यूपी की ओर से अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में आदेश बीते दिनों जारी किए गए हैं, जिस वजह से कल लखनऊ, कानपुर और जयपुर जैसी कुछ बस सेवाएं संचालित नहीं हो सकी। इन बस सेवाओं का संचालन आज से शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान यूपी की तरफ से अंतर्राज्यीय परिवहन की मंजूरी मिलने से न सिर्फ दिल्ली जाने वालों को बल्कि गढ़वाल से कुमाऊं जाने वालों को भी राहत मिली है। वहीं गढ़वाल से कुमाऊं की यात्रा के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बसों को यूपी से होकर गुजरना पड़ता है, साथ ही अब रोडवेज की बसें यूपी क्षेत्र से होते हुए गढ़वाल से कुमाऊं जा सकेंगी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।